उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त कराने के लिए तथा संक्रमण का चक्र तोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना वायरस पर हमला सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने के समान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा तथा प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं, संगठनों व सरकारी मशीनरियों द्वारा सेवा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे प्रदेश को कोरोना मुक्त किया जा सके। ऐसे में सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर हमला अक्षम्य अपराध है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आपदा अधिनियम के तहत कानून को प्रदेश में भी लागू किया कर दिया गया है। इसके तहत कोरोना वॉरियर्स पर हमला अक्षम्य अपराध घोषित किया गया है तथा 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके अलावा हमलावरों पर रासुका एवं गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला, ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के, संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्ययोजना बनाकर के कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है हम लोगों ने स्टेट में वह तो लागू किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम,
सैनिटाइजर से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे।